अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले एज यूजुअल हम आज के कैलेंडर को देख लेते हैं। यह है जी वेडनेसडे फेब्रुअरी 23। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो 2:30 PM पर ब्रिटेन की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हेयरिंग है और उसके बाद 3 PM पर यूरो जोन के CPI नंबर्स हैं और इसके अलावा कोई ख़ास डाटा आज नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो मार्केट का फोकस है वो आज भी रशिया यूक्रेन का जो इशू है उसके मुतलका अपडेटेड न्यूज़ पर ही रहेगा। अगर हम कल की बात करें तो कल US, UK, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं रशिया पर, जो कि आप कह सकते हैं कि मतवक्का भी थी, जिनको हमने कल डिस्कस किया भी था। उसके साथ साथ अगर हम कहें तो कल US के जो प्रेसिडेंट हैं बाइडन, उन्होंने भी कुछ सेक्शंस का जो है वो ऐलान किया है रशिया पर, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक जो कमेंट्स पास किए कि वी हैव नो इंटेंशन टू फाइटिंग रशिया। तो ये एक हौसला अफजा कमेंट्स हो सकते हैं कि जिसमें आप कह सकते हैं कि शायद जो हालात हैं वो फुल स्केल वार की तरफ ना जाएं। तो इसके साथ साथ लेकिन जो US के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने थर्सडे को जो मुलाकात होनी थी उनकी रशिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ, उसको मनसूख किया है क्योंकि उनके मुताबिक रशिया के इस इकदाम के बाद इसकी ज़रूरत नहीं रहती। तो ओवरऑल अगर हम समअप करें चीज़ों को, तो अगर रशिया अपना जो रिएक्शन है उसको कंट्रोल रखता है तो उम्मीद यही है कि जो US हैं और उसके जो अलाइज हैं उनकी तरफ से बात, यानी कि आप कह सकते हैं कि पाबंदियों तक ही रहेगी। ऑन अदर साइड अगर रशिया फुल स्केल की तरफ जाता है, जैसे कि ऑलरेडी वो अपने ट्रूप्स को काफ़ी बॉर्डर के आसपास बिल्डअप कर चुका है, तो फिर आप कह सकते हैं कि सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो सकती है, जिसके चांसेस फिलहाल हमें ज़्यादा लग नहीं रहे। लेकिन होने को आपको पता है कुछ भी हो सकता है, रशिया की तरफ से कुछ ज़्यादा सूरत हाल क्लियर है नहीं, तो इसलिए आपने इस इशू के रिलेटेड न्यूज़ पर नज़र रखनी है क्योंकि अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। ठीक है, हम कंफर्म हो जाएं कि यार ये चीज़ें ये जो इशू है वो रिजॉल्व हो चुका है, तो कोई भी न्यूज़ जैसा कि आपको पता है कि मार्केट को वोलाटाइल कर सकती है। तो चलते हैं हम अपने चार्ट पर और अपने टेक्निकल सिचुएशन को देख लेते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें, डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर चेक किया करें, उसमें तमाम रजिस्टर्स और सपोर्ट लेवल लिखे होते हैं। तो आज हम डॉलर इंडेक्स और US की 10-ईयर यील्ड्स को भी देखेंगे, एक दफ़ा हम वीकली वीडियो में करेंगे और एक दफ़ा मिड में हम इनको डिस्कस किया करेंगे। यह है जी डॉलर इंडेक्स का डेली का चार्ट। जैसा कि हमारी बात हुई थी कि ये एक अब इस रेंज में आ चुका है, फिलहाल तो काफ़ी एक बड़ी रेंज कर रहा है, तो इसका अभी भी सिनेरियो यही है कि अपर साइड पर अगर हमें इसके ऊपर डेली क्लोज दे तो हम कह सकते हैं कि इसमें फिर अच्छा अपसाइड आ सकता है, यानी कि इसको ब्रेक करे इस ट्रेंड रेजिस्टेंस लाइन को तो फिर ये दोबारा से 9650 और 97 की तरफ जा सकता है। ऑन अदर साइड अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो आप कह सकते हैं कि दोबारा से वो फिर अपने इन लोज की तरफ जा सकता है 9460 की तरफ। तो फिलहाल अगर इसी एरिया में रेंज करता है तो फिर यही चीज़ें आपको इस तरह की सूरत हाल नज़र आ सकती है। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद भी आप इस पर फिर कुछ कन्फर्म राय दे सकेंगे। अब हम चलते हैं जी US की 10-ईयर यील्ड्स। तो ये हैं US की 10-ईयर यील्ड्स का डेली चार्ट। अगर हम देखें तो लगातार 1, 2, 3, 4 डेज के बाद कल इन्होंने एक ग्रीन कैंडल दी है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि कल आपको गोल्ड में भी रेड कैंडल नज़र आई होगी इसके ऑपोजिट। तो दोबारा से ये 190 के ऊपर हैं, इमीडिएट टारगेट इनके लिए यही 2% है, इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि 205 और 215% तक जा सकती हैं। ये अगर अपसाइड को रिज्यूम करती हैं तो ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। ऑन अदर साइड अगर ये दोबारा से डाउन साइड पर जाती हैं 180 और 170 की तरफ, तो आप कह सकते हैं कि चीज़ें गोल्ड के लिए पॉजिटिव होंगी। अब हम चलते हैं गोल्ड के डेली चार्ट पर। ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। अब अगर आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ जब कल हमने वीडियो बनाई थी तो गोल्ड 1912 के आसपास था, तो मैंने आपको बताया था कि आप
क्योंकि हमारा एरिया है, सेल का एरिया है, तो हम सेल ही करेंगे। तो जो मैं रजिस्टर्स आपको दूंगा उसके ऊपर का आप SL लगा कर सेल कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि गोल्ड ने तकरीबन हमारी स्पोर्ट के आसपास के लो बनाए। 1890 की हमारी स्पोर्ट थी, गोल्ड ने 1891 के लो बनाए। तो यानी कि दोनों तरफ जिन लोगों ने लेवल को फॉलो किया, लेवल पर रिस्क लिया, तो आप कह सकते हैं कि वो स्पोर्ट पर भी प्रॉफिट में रहे और रेजिस्टेंस पर भी। तो यही चीज़ है, अगर आज की हम बात करें तो यही रेजिस्टेंस एरिया है हमारा। आप कह सकते हैं कि 1908 से, डेली में अगर चार्ट में देखें, 1908 से लेकर 1917 का एरिया है। ठीक है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी हम देखते हैं आगे चलकर, इसके ऊपर जब तक हमें डेली क्लोज नहीं मिलती, गोल्ड यहाँ से डाउन है। टेक्निकली उसका एविडेंस मैंने आपको बताया हुआ है कि ये हमारे पास उसका एविडेंस है। ऑन अदर साइड फर्स्ट सपोर्ट जो हमें नज़र आ रही है डेली चार्ट पर, वो यही है, इस रेजिस्टेंस लाइन के आसपास 1880-1878 का एरिया है, और इसके नीचे हमारा हॉरिजेंटल एरिया है 1870-1872 का। इसके नीचे गोल्ड निकलेगा तो आप कह सकते हैं कि दोबारा से वो 1850-1840 की तरफ जा सकता है। इसके साथ साथ कल ये चीज़ भी मैंने आपको समझाई थी, अगर आपको याद हो, कि जब जब गोल्ड इस अपर रेजिस्टेंस लाइन के पास आया है तो यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई है टेक्निकली 1-2, और जब लोअर साइड पर आया तो वहाँ से प्राइस बाउंस बैक हुई है। तो इसलिए कल अगर आप देखें तो ये कल हमने लाइन लगाई थी और कल एग्जैक्टली उसी के आसपास के गोल्ड ने हाई उसको टच किया है। तो जब तक याद रखिएगा, जब जब प्राइस आपको इस एरिया में मिलेगी, आप सेल की पोजीशन लेंगे जब तक इसके ऊपर हमें डेली क्लोज ना मिले। अगर डेली क्लोज इसके ऊपर मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि प्राइस 1930 और 1950-60 की तरफ जा सकती है। ऑन अदर साइड जैसे यहाँ पर हमें रिजेक्शन नज़र आ रही है, अगर ये कंटिन्यू रहती है तो गोल्ड दोबारा से आपको 1870-1850 और इवन इससे लो के एरिए भी दिखा सकता है। तो ये अच्छे एरिए होते हैं, याद रखिएगा, ये बड़े टाइम के बाद ये एरिए मिलते हैं आपको, जहाँ पर आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशो बहुत अच्छा होता है। ठीक है जी, यानी कि आप कम से कम लॉस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर आप कैसल हिट भी हो यहाँ पर, ठीक है, तो आप देख लें कि आप कैसल बहुत करीब होगा। ठीक है जी, तो इन चीज़ों को, ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं, इनको आप मिस नहीं कर सकते, जैसे मैं आपको यहाँ पर शो करवा रहा हूँ। ठीक हो गया, बाकी आप खुद इन चीज़ों को समझ सकते हैं। बाकी हम चलते हैं जी H4 पर। H4 पर कल हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो तो वही हुआ जी, तकरीबन प्राइस आ चुकी हैं उसी के आसपास, कल भी आई, मज़ीद आज भी इस लाइन के आसपास आ सकती हैं। ठीक है जी, कल हमारा उसी एरिया को टारगेट किया है इसने, तो आज भी हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया सेम ही बन रहा है। यानी कि अगर हम सपोर्ट एरिया देखें सबसे पहले, तो वही हमारा कल वाला 1890-91 का एरिया सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे अगर प्राइस जाती है तो आप कह सकते हैं कि प्राइस ये चीज़, ये और फिर ये, यानी कि फिर प्राइस आपको 1870 दिखा सकती है। ठीक है, अगर इसने ये वाला जो लेवल है वो ब्रेक कर दिया, ये ओरिजेंटल सपोर्ट भी और उसके साथ हमारी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी, 1870 के नीचे निकलेगा तो आप कह सकते हैं कि फिर वो 1860-50 के जो एरिया है वो आपको दिखाएगा। ऑन अदर साइड जैसा इसके ऊपर, जब तक आपको H4 की कैंडल नहीं मिलती तो आप सेल ही करेंगे। इसके ऊपर अगर H4 मिलता है तो आप कह सकते हैं कि रीटेस्ट पर बाय करके फिर प्राइस आपको 1920 और 1930 के लेवल दिखा सकती है। तो ये चीज़ें आप अपने चार्ट पर लगाएं और इनको फॉलो किया करें। वीडियो देखने का मकसद यही होता है कि आप इन चीज़ों से बेनिफिट लें। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट एरिया में, आपको बता देता हूँ कि इमीडिएट जो सपोर्ट एरिया है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, 1888-90 का एरिया है। ठीक है, ये एक अच्छा लेवल है, इमीडिएट सपोर्ट है, एक इमीडिएट आप कह सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म में की सपोर्ट लेवल है हमारे पास वो यही है, कल भी हमारा सपोर्ट लेवल था। इसके नीचे फिर प्राइस आपको 1878-1880 और 1872 तक नज़र आ सकती है। 1872 के नीचे अगर कैंडल क्लोज हुई तो गोल्ड 1860-1858 का एरिया है, और फिर 1850 एक अच्छा लेवल होगा दोबारा से डिप बाइंग के लिए। ऑन अदर साइड इमीडिएट जो रेजिस्टेंस इसके पास है वो 1905 की है, 1905 के ऊपर गोल्ड दोबारा से 1910 और 1915-17 का जो एरिया है वहाँ तक फिर गोल्ड जा सकता है। इसके ऊपर अगर गोल्ड निकला तो 1921, 1927, 1931 और 1935 के लेवल अब अपर साइड पर हैं। ये तमाम लेवल मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, आप इनको अपने पास नोट कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पर लेवल पढ़े नहीं जाते, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करें, उसमें वो लेवल लिखे होते हैं।
तो चलें जी हम अपनी इंट्रा डे के लिहाज से रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया देख लेते हैं। ये मैं आपको रिकॉल करवाता जाऊं दोबारा से कि ये एरिया जो है ये चीज़ हमारी रेजिस्टेंस है और ये एरिया हमारा सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अगर सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर आप इस सिनेरियो को फॉलो करेंगे, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये चीज़। ऑन अदर साइड अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो फिर ये चीज़, वरना इसके आसपास बाय है और इसके आसपास सेल है विद ए सेल, ठीक हो गया। तो आज हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं। आज जो गोल्ड में हमारी सपोर्ट रहेगी, सॉरी सबसे पहले रेजिस्टेंस देखते हैं। रेजिस्टेंस रहेगी हमारी गोल्ड में आज 1915 से 17 का एरिया। इसके ऊपर अगर गोल्ड जाता है तो गोल्ड 1921, 1927, 1931 और 1935 तक जा सकता है। ऑन अदर साइड जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 1890 से 88 का एरिया, ठीक है जी। इसके नीचे अगर गोल्ड निकलता है ये वाली चीज़, ठीक है जी, ये चीज़, यानी कि मैं दोबारा से आपको ज़रा 1890 आप कह लें, 1890 ही है सपोर्ट, ठीक है जी, ये चीज़। अगर ये लो ब्रेक होते हैं तो गोल्ड दोबारा से आप कह सकते हैं कि 1880 और 1870 तक जा सकता है। इंट्राडे के लिहाज से फिलहाल गोल्ड का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव चल रहा है। बाकी अगर कुछ लेवल अपडेट हुए तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम और फेसबुक पर आप मुझे ज़रूर फॉलो करें, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर जो भी न्यूज़ की अपडेट होती है वहाँ पर मैं देता हूँ। बहुत शुक्रिया।